खूबसूरत बाल पाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, इसी चक्कर में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर बैठते हैं जो हमारे बालों को डैमेज और अनहेल्दी बना देता है। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, ताकि हम इन्हें फ्यूचर में ना दोहराएं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मिस्टेक नंबर 1, जितना हो सके आप अपने बालों को कम धोइएगा, क्योंकि इससे हमारे स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स धुल जाते हैं और इससे हमारे बाल और स्कैल्प ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। जब मेरे बाल लंबे थे तब मैं उन्हें एवरी ऑल्टरनेट डे पे धोती थी, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, क्योंकि दोस्तों मेरे यहाँ का वेदर ह्यूमिड वाला वेदर है। आप भी वेदर के हिसाब से अपने बालों को धोइए। मिस्टेक नंबर 2, जब हमारे बाल गीले होते हैं तब वो कमजोर स्थिति में होते हैं। इस वक्त अगर आप अपने बालों में ब्रश करते हैं तो इनकी टूटने और डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने बालों को एयर ड्राई करने के बाद ही उन्हें ब्रश कर दें। मिस्टेक नंबर 3, एक्सेसिव ब्रश करने से स्कैल्प में जलन होती है, जिससे हमारे बाल कमजोर और टूटने लगते हैं। आप उतना ही ब्रश करें जितना आपको स्टाइलिंग पर्पस और सुलझाने के लिए करना चाहिए। हमेशा नरम कंघी यूज करें, जैसे वुडन कोम। मिस्टेक नंबर 4, हम अपने बालों को टॉप टू बॉटम तक, मतलब जड़ों से लेकर एंड तक कंघी करते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है। क्या? पहले एंड्स को सुलझाना चाहिए, फिर सुलझाते हुए उन्हें जड़ों तक जाना चाहिए, उसके बाद पूरे बाल को अच्छी तरह से ब्रश कर लेना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, गर्म पानी सर की त्वचा में सूजन पैदा करता है, जिससे बालों में खुजली, रूसी और बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म पानी हमारे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करता है और नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, और जो हमारे बालों में प्रोटीन बॉन्ड है उसे नुकसान पहुंचाता है। सो व्हेनेवर यू वांट टू वॉश योर हेयर, वॉश इट विद कोल्ड वाटर, अदरवाइज यूज गुनगुना गर्म पानी, एंड दैट्स इट। मिस्टेक नंबर 6, जब आपके बाल गीले होते हैं तब ये सबसे नाजुक स्थिति में होते हैं, और इस वक्त अगर आप अपने बालों को तौलिए से या टॉवल से जोर से रगड़ते हैं तो इनके डैमेज होने के और टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इस वक्त अपने बालों को मुलायम या सॉफ्ट कपड़े से पोंछना चाहिए। सबसे अच्छा है आप अपने बालों को टॉवल से पगड़ी बनाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि एक्सेस पानी वो टॉवल ही सोख कर ले। मिस्टेक नंबर 7, किसी भी तरह का हीट स्टाइलिंग प्रोडक्ट आपके बालों के लिए हानिकारक होता है, तो इसीलिए अवॉइड यूजिंग ब्लो ड्रायर, क्योंकि इससे आपके बालों के क्यूटिकल्स डैमेज हो जाते हैं और बाल फ्रिजी हो जाते हैं। लेकिन ठंडी के मौसम में हमें ब्लो ड्रायर यूज करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस वक्त हमारे बाल जल्दी सूखते नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जितना हो सके बालों में ब्लो ड्रायर कम यूज कीजिएगा। और स्ट्रेटनर्स की बात करें तो स्ट्रेटनर्स इससे भी ज्यादा हमारे बालों को डैमेज करता है, क्योंकि ये एक ही जगह पे डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करता है। मिस्टेक नंबर 8, मतलब स्टाइलिंग के लिए हम अपने बाल जोर से टाइटली बांध लेते हैं, जो एक्चुअली ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है और जो हमारी स्कैल्प है ना उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। मिस्टेक नंबर 9, हम लोग हमारी स्किन को एक्सेसिव धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन, सनग्लासेस यूज करते हैं, लेकिन बालों के बारे में सोचते ही नहीं। यूवी रेज दो तरह की होती है, UVA एंड UVB। एक कलर को डैमेज करने में सक्षम होता है और दूसरा प्रोटीन को लॉस करने में सक्षम होता है, जिससे हमारे बाल डैमेज होते हैं। सो ऑलवेज यूज अम्ब्रेला, हैट, स्कार्फ
and a natural sunscreen. Mistake number 10. बालों का नुकसान करने में सबसे बड़ा हाथ होता है हेयर डाई का. अगर आप अपने बालों में हेयर डाई या ब्लीच फ्रीक्वेंटली करते हैं तो इससे आपके बाल ड्राई और ब्रिटल हो सकते हैं, क्योंकि इससे इनका नेचुरल स्ट्रक्चर टूट जाता है. लेकिन फिर भी अगर आप अपने बालों में कलर करना चाहते हैं तो कलर करने से पहले आपको अपने बालों को डीप कंडीशनिंग करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपके बाल सुपर हेल्दी स्टेट में पहले से ही रहेंगे और इससे कम से कम डैमेज होंगे. तो आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा टू कीप योर हेयर हेल्दी. तो ऐसे ही DIY और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे नेचुरल.